हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देश दुनिया के बारे में जानेंगे और आज एक ऐसा देश का चर्चा करेंगे जो कि एकदम अलग टाइप का पूरे धरती पे है, जिसका नाम उत्तर कोरिया है। और ये एक ऐसे सनकी तानाशाह का देश है जिनके आज हम 9 अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। ये कुल 9 फैक्ट्स अगर आप जानेंगे तो आपको बड़ी हैरानी होगी और आप कभी नहीं चाहोगे कि मेरा जन्म कभी भी उत्तर कोरिया के वैसे देश में हो जहां का शासक एक सनकी और एक तानाशाह किम जोंग उन है। आइए उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे और कुछ फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, वहां के कुछ कायदे कानून जानेंगे, रूल्स जानेंगे, जिन्हें देख करके आपको गुस्सा भी आएगा और आपको घिन भी आएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं उत्तर कोरिया के देश के जो सनकी तानाशाह है उनका क्या नाम है। तो उनका नाम है किम जोंग उन, जो एक सनकी तानाशाह है। और इनके बारे में हम शुरुआत करेंगे। इनके फूफा ने एक बार इनका विरोध किया और एक बार इनका विरोध किया अपनी राजनीतिक कार्यक्रम में अपनी भागीदारी के लिए। तो उन्होंने क्या किया, जब इन्हें किम जोंग उन को उनकी बातें पसंद नहीं आई तो उन्होंने 120 भूखे कुत्तों के सामने अपने फूफा को डाल दिया और उनके फूफा को नोच नोच कर खा गए। जब इस बात का उनकी बुआ ने विरोध किया तो बुआ को उन्होंने चुपके से जहर देकर के मार दिया। समझिए कि ये अपने फैमिली मेंबर्स के नहीं है, इतने बड़े ये सनकी तानाशाह हैं। आइए अब इनके बारे में जो सुनेंगे उसे सुन के आप काफ़ी दंग रह जाएंगे और आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपका जन्म उत्तर कोरिया के इर्द गिर्द भी हो। उत्तर कोरिया में तो आप कभी नहीं ही जाएंगे। आइए हम शुरू से जानते हैं इसके कुछ फैक्ट्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले यहाँ पर अगर मान लीजिए आप दक्षिण कोरिया में बाल कटवाते हैं तो सबसे पहली बात कि वहाँ पर कुल बाल कटवाने कुछ 28 तरीके हैं, 28 कुछ तरीके हैं जहाँ पर जाकर के आप बाल कटवा सकते हैं और उतने में ही आपको पसंद करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए कि आप कोई चीज़ में आप काम कर रहे हैं या आपको कोई सजा दे जा रही है या आप कोई बात नहीं मानते हैं, उस समय अगर आप हंस देते हैं तो इस पे भी आपको सजा यहाँ पे मिल सकता है, आपको फांसी दी जा सकती है। कुछ ऐसा संकीताना मतलब आपको निजी जीवन पे आपको ये एक अंकुश लगा देंगे। और इसके कुछ और भी फैक्ट्स हैं, जैसे यहाँ पर एक फैक्ट्स है कि आप विदेशी फिल्म नहीं देख सकते हैं। अगर आप अमेरिकन कोई मूवी देखते हैं तो आप पे बहुत ही मतलब ख़तरनाक आप पे धारा लग जाएंगे और आपको जेल में डाल दिया जाएगा। अगर आप भारत की मूवी वहाँ देखते हैं तो आपको कारावास में डाल दिया जाएगा या ऐसा होने पर आपको देशद्रोह साबित करके आपकी मृत्युदंड भी आपको दिया जा सकता है। कुछ ऐसे यहाँ के नियम हैं, मतलब आप बाहरी मूवी नहीं देख सकते हो। जैसे हम लोग जब यहाँ पर भारत में कैसे हम लोग सारे कंट्रीज़ के मूवी देख लेते हैं या यहाँ का कोई भी न्यूज़ अमेरिका तक पहुँच जाता है या इवन पाकिस्तान तक पहुँच जाता है, कहीं भी इर्द गिर्द जो भी हमारे पड़ोसी देश है वहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो इसका मतलब सारी जानकारी छोटी मोटी जानकारियाँ आपस में शेयरिंग होती है। लेकिन उत्तर कोरिया में कोई भी जानकारी आप तक नहीं पहुँच पाओगी। ये भी जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ये एक बेस जानकारी है, एक सूत्र से जानकारी मिली है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अब विदेशी मूवी आप वहाँ पर नहीं देख सकते हैं। पोर्नोग्राफी बांटने से मौत की सजा भी हो सकती है। वहाँ पर कंप्लीट बैन है, मतलब आप वहाँ पर कुछ भी अपने मन से नहीं देख सकते, ना बाहरी मूवी। अब जो सरकार आपको दिखाएगी आप वही देख सकते हो। अब हम लोग इसमें अगला देश का कैलेंडर, तीसरा फैक्ट्स है देश का कैलेंडर। जैसे कि आपको पता है कि भारत देश या पूरे वर्ल्ड में हम लोग जो देश का जो कैलेंडर हम लोग यूज़ करते हैं 15 अप्रैल 1912 से हमारा कैलेंडर स्टार्ट होता है, लेकिन वहाँ पर ऐसी बात नहीं है। वहाँ आज भी एकदम ट्रेडिशनल तरीके से उनका अपना खुद का जो रवैया है और उनका जो देश का जो कैलेंडर है वो वहाँ के देश के फाउंडर किम इल सुंग के जन्म पर आधारित है। अब नाम भी बड़ा अजीब है कि एक बार में मुंह पे नहीं आ रहा है। उत्तर कोरिया के लोगों के लिए अभी भी वहाँ 106वां जुसे वर्ष चल रहा है। अब बताइए ये कैसा ये कंट्री है भाई, जो वहाँ जन्मदिन के अनुसार से अपना कैलेंडर को चला रहा है। बताइए हम लोग अभी 21वीं सदी में जी रहे हैं, वो अभी कौन सदी में जी रहे हैं हम लोग को पता नहीं। एकदम बेहुदा देश है ये। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा और भी जानते हैं इसके बारे में। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए आप भारत में मन चाहा कोई भी टीवी देख लेते हैं, सीरियल देख लेते हैं, मूवी देख लेते हैं, जो मन करे सो चैनल को आप देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर भाई आप वैसा नहीं कर सकते हो। वहाँ पर जो देश
आपको चैनल दिखाएगी, मतलब गवर्नमेंट चैनल जो आपको दिखाएगी आप वही देख सकते हैं। उस पर भी उनका नियंत्रण होगा, मतलब वो जो दिखाना चाहेगा वही देखना पड़ेगा। मतलब अगर वो चाहेगा तो 24 घंटा अपना देश के सनकी तानाशाह किम जोंग उन के बारे में बताना चाहे तो आपको सुनना पड़ेगा और वही आपको देखना पड़ेगा। यहाँ ऐसा नहीं, हमारे भारत में अगर मोदी जी का पसंद नहीं आया तो रिमोट चेंज करके कोई और देख लिए, या किसी और का पसंद नहीं आया तो कोई और, मतलब अपने मन से फ्रीडम, पूरा फ्रीडम है। जब जो मन किया सो चैनल हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं और जो मन करता है वो देख लेते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे किम जोंग उन के हिसाब से, मीन गवर्नमेंट के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा जो वो दिखाना चाहे, मतलब कंप्लीट नियंत्रण है उनका। समझो कितना वहाँ रेस्ट्रिक्शंस है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है ये घुटन है, वहाँ पर कंप्लीट घुटन सा जिंदगी आपको मिलने वाला है अगर आप वहाँ जाते हैं तो। जाने से पहले इस वीडियो को पूरा देख लेता कि आप वहाँ जाने के बारे में सोचे तो आपको समझ में आए कि आपको जाने से फ़ायदा वहाँ है या नहीं है। अब हम लोग का एक चौथा फैक्ट्स आता है यहाँ पर अगला, कि वहाँ पर आप कोई भी मतलब कभी भी वहाँ पे जब रात होती है तो वहाँ पे कंप्लीट वहाँ पे बिजली कट कर दी जाती है। अब ये जानकारी तो एक्चुअल 100% ये वेरीफाइड नहीं है, बट जब नासा के सैटेलाइट ने वहाँ पर अंतरिक्ष से फ़ोटो लिया, मतलब वहाँ से स्पेस सेंटर से वहाँ से फ़ोटो लिया, तो वहाँ पर रात में कोई भी लाइटिंग नहीं दिखा। जैसे आमतौर पर दिवाली में नासा या स्पेस जो हमारे भी अब हो चुके हैं वहाँ पर, तो वहाँ से हम लोगों को तस्वीर मिलता है देश का कि देखो दिवाली में हमारा देश ऐसा दिख रहा है, इतना सुंदर दिख रहा है, लेकिन वहाँ पर रात में लाइटिंग नहीं जलती है। तो इस तरह से जो हम लोग एक जान पा रहे हैं कि वहाँ पे रात में लाइट काट दी जाती है, और उनको अब ऐसा हैबिट भी हो गया है कि रात में लाइन चले भी जाए कट भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी होगा तो उसका सरकार पे उसका नियंत्रण है और उसी हिसाब से वो अपना काम करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब सबसे जो बढ़िया फैक्ट है अगला फैक्ट, और वहाँ पर है कि 3 पीढ़ियों तक आपको सज़ा मिलता है वहाँ पर। जैसे मान लो कि अभी भारत में मान लो कि कोई इंसान ने कोई जुर्म किया तो प्रॉपर वे में उनको सज़ा मिलता है, उनके फैमिली मेम्बर्स को नहीं मिलता, या जो शामिल होते हैं उनको सज़ा मिलता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में, उत्तर कोरिया में ऐसी बात नहीं है। उत्तर कोरिया में अगर आप कोई भी जुर्म करेंगे तो आपके आने वाले 3 पीढ़ी तक सज़ा मिलती है। मीन अगर आपने कोई गलती करा तो आपको मिलेंगे, आपके बेटे को मिलेंगे, फिर उनके बेटे, मतलब जनरेशन वाइज आपको 3rd जनरेशन तक आपको सजा पनिशमेंट वहाँ पर मिलता रहता है। मतलब ये कैसा बेहुद्दा वहाँ का नियम है ये। चलिए थोड़े और नियम जानते हैं हम लोग। अब वहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप वहाँ पर गवर्नमेंट का तो आप आलोचना कर नहीं सकते हो, आपको भूखे कुत्तों के सामने रख दिया जाएगा। अगर वहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो सजा उसको नहीं, पूरे खानदान को दिया जाता है। ये तो आप समझिए कि दादा दादी से लेकर के माता पिता एवं कंप्लीट बच्चों को भी वहाँ पर जेल जाना पड़ता है। अब सोचो कितना घटिया देश है। चलो हम लोग इसके बारे में जान रहे हैं कि इसके बेहुद्दीपने के बारे में जान रहे हैं, ये तो अभी हम लोग को समझ में आ रहा है कि कितना रेस्ट्रिक्शन है उस कंट्री में। अब यहाँ पर क्या है कि कुल 28 हेयर स्टाइल कंप्लीट आपको वहाँ मिलते हैं। मतलब अगर आप बाल कटवा तो यहाँ पे आप भारत में तो कोई भी बाल कटवा सकते हैं, जब जो मन किया उस हिसाब से आप बाल कटवा सकते हैं, और अपने हिसाब से आप फ्रीडम है, कंप्लीट फ्रीडम है, जैसे बाल कटवाओ आपकी इच्छा। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर बाल छोटे रखने पड़ेंगे आपको। 28 हेयर स्टाइल है वहाँ पर जो आपको एक चुनने पड़ेंगे। बाल छोटा रखना वहाँ का प्रवृत्ति है, नेचर है वहाँ का। अगर ऐसा कहा गया है कि अगर आपकी शादी वहाँ हो चुकी है तो फिर अपने हिसाब से बाल आप रख सकते हो, लेकिन ये कैसा भाई ये कानून है कि बाल भी मैं अपने हिसाब से ना कटा पाऊँ, मैं तो कभी थूकने ना जाऊँ वो देश। चलिए आगे देखते हैं कि और भी क्या फैक्ट्स है। अब वहाँ पर 28 वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हो। जैसे मान लो कि भारत में भी आपको मन करे, गूगल पे लाखों वेबसाइट, मतलब करोड़ों साइट है, आपको जो मन करता है अप्रॉक्सीमेटली, जो बढ़िया साइट है जो यहाँ पे बैन नहीं है, हम लोग उसको विजिट कर पाते हैं। मीन फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब कुछ हम लोग चला पाते हैं या अपने हिसाब से साइट हम यहाँ पर यूज़ कर पाते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं है, उत्तर कोरिया में ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे समझो, अब वहाँ पर देखो, वहाँ पर आप कोई भी साइड अपने मन से नहीं खोल सकते हो। गवर्नमेंट जो साइड आपको दिखाना चाहे वही खोल सकते हो। देखो भाई, जब उन्होंने मूवी पे कंट्रोल कर लिया, उन्होंने टीवी चैनल्स पे कंट्रोल कर लिया, तो फिर हमारा वेबसाइट आखिर वो कैसे दे सकता है? आई होप वो नहीं ही देगा, ऐसे भी नहीं देगा। अगर ये फैक्ट नहीं भी होता तो वो पता है कि वो साइड विजिट करने नहीं दे। जब यहाँ पे चाइना जब फेसबुक को अलाउ नहीं करता है तो उत्तर कोरिया सबका बाप है, मतलब तानाशाही के मामले में, तो वो कहाँ से देगा? वो चाहो वो कैसे भी करके ना चाहता है कि अपना यहाँ का इन्फॉर्मेशन बाहर गैदर ना हो, बस उस यही काम के लिए वो पूरा रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि नहीं। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं।
तो वहाँ पर, और एक बात और भी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप, आपके पास एक लैपटॉप है या मेरे पास दो लैपटॉप है, दस लैपटॉप है, तो आप यहाँ पे कितना भी कंप्यूटर खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप हज़ार कंप्यूटर खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर आपको परमिशन लेना पड़ेगा कि आपको कंप्यूटर खरीदना है, आपको लैपटॉप खरीदना है, वहाँ पर परमिशन लेना पड़ेगा, तो ही आपको वहाँ पर गवर्नमेंट आपको ऑथोराइज करेगी कि आप वहाँ पर कंप्यूटर ले सकते हो। अब चलिए हम लोग वहाँ पर खाद के, मतलब कुछ कृषि के बारे में जानते हैं। देखिए किसान जो हमारे भारत के किसान थोड़ी ना है यहाँ पे रोड पे आ जाएंगे, चलो धरना दे रहे हैं, कोई भी तरह की बात है, अपने मन को सारी बातें को हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। अब वहाँ देखो, वहाँ पे क्या हुआ कि चलो वहाँ पे खाद में दक्षिण कोरिया ने 2008 में फर्टिलाइज़र को भेजना बंद कर दिया। तो अब उस देश को प्रॉब्लम हो रहा है कि चलो कैसे खेती बाड़ी किया जाए, तो उन्होंने क्या किया, भारी कमी, मतलब फर्टिलाइज़र का इतना कमी हो गया कि उन्होंने इंसान को, मतलब जो वहाँ पे ह्यूमन बींग्स है, अब उसको कहा कि भाई आप एक वहाँ पे क्या करो, एक नियम बना जाए, एक वहाँ पे कानून पारित कर दिया कि आप सारे ह्यूमन बींग्स जितने भी इंसान वहाँ पर है सारे अपने मल को पदाधिकारी को सौंपो, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उनको सौंपो, अब वो उस मल का यूज़ करेगा अपने खेती बाड़ी में। आप समझ सकते हो यहाँ पे तो फ्रीडम है, यहाँ पे तो हम लोग गाय भैंस जानवर के हम लोग मल को लेकर के अपना खाद भी काम कर लेते, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे इंसानों का मल यूज़ होता है। कैसा अजीब देश है भाई। चलो ये ठीक है, चलो अगर यूटिलाइज कर सकता है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है उस कंट्री में। चलिए अब आगे देखते हैं। अब जो आखिरी हमारा जो फैक्ट है ना, अब है कि देखो भाई, जब आपको टीवी वो नहीं दिया चलाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी भी काट दिया, वेबसाइट विजिट करने पे ब्रेक मार दिया, तो ऑब्वियसली वो तो आपको अपने हिसाब से रहने भी नहीं देगा। मतलब अब क्या ना, वो कहाँ पे आप रहोगे ये भी तय गवर्नमेंट करेगी। आइए देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। भोजन से लेकर मल तक सब कुछ नियंत्रित करने वाली सरकार किम जोंग उन, जो उत्तर कोरिया का एक सन की तानाशाह है, तो भाई अब वो क्या कर रहा है ना, अभी उसके देश में लोग अब कहाँ रहेंगे, मतलब कहाँ पे रहेंगे। राजधानी है जैसे प्योंगयांग, राजधानी हो गया उत्तर कोरिया, अगर आपको वहाँ पर रहना है तो उसके लिए गवर्नमेंट से अनुमति लेना पड़ेगा। अभी दो मिनट के लिए सोचो, अभी आपको दिल्ली में जाना हो, दिल्ली में प्रॉपर्टी लेना हो तो कोई प्रॉब्लम होगी, अरे भाई अपना लोग तो अब जम्मू कश्मीर में जाके भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाके आराम से खरीद सकते हैं। पूरे देश में कहीं भी खरीदने के लिए कोई अथॉरिटी की आवश्यकता नहीं है, कैजुअल नॉर्मली जैसे हम लोग यहाँ अपने होम टाउन में खरीदते हैं वहाँ भी जाके खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, जो सिंपल प्रोसेस होता है उस माध्यम से ज़मीन हम ले सकते हैं। आई बात समझ में। लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं है, अगर वहाँ आप रहना चाहते हो तो वहाँ पर सरकार की अनुमति लेना पड़ेगा। उसके बाद आप अगर गंदा वाहन, मतलब अगर आपका व्हीकल्स गंदा है तो उसको लेके आप नहीं जा सकते, उस पर भी आपको सजा हो सकती है। देखो कुछ मामला में चलो गंदा है तो ये ठीक है, लेकिन ये उतना भी ठीक नहीं है, अब गाड़ी तो गंदा हो ही सकता है, अब उस पर सजा दे दिया जाएगा तो फिर तो ये तो पूरा तानाशाह हो गया, ऐसे तानाशाह है ही वो देश। अब हम लोग वहाँ पे एक आखिरी, अगर आपको उस देश से बाहर जाना हो या राजधानी से बाहर जाना हो तो आपको यात्रा प्रमाण पत्र, ट्रैवलिंग सर्टिफिकेट आपको लेने की आवश्यकता पड़ेगी। चलो ये ठीक है, बाहर जाने के लिए ऐसे भी हम लोग को लेना ही पड़ता है पासपोर्ट, तो चलो ये ठीक है, ये इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन कितना अजीब है ना ये सुन के, हमें कितना अजीब लगा कि एक ऐसा देश जहाँ ऐसा होता है, गर्व से कहिए हम लोग भारत में रहते हैं और हम लोग हिंदुस्तानी होने पर गर्व है, अगले हज़ार जन्म भी होना तो भगवान से यही आशा करेंगे कि हमें भारत ऐसे देश में जन्म दे जहाँ पे हमें अपने मौलिक बातों को रखने की आज़ादी है। हम लोग यहाँ पर पीएम के सामने जाके धरना दे सकते हैं, पीएम के सामने अपनी बातों को रख सकते हैं, छाती चढ़ा करके रख सकते हैं, और उस छाती पे कोई गोली चलाने वाला नहीं है, कोई भूखा कुत्ता फेंकने वाला नहीं है। इसीलिए प्राउड करिए, फील करिए अपने देश को, और हमारा देश रियली में महान है जहाँ पर हम रहते हैं। आई बात समझ में, कितना अंतर है दोनों कंट्री में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा देश कितना महान है। तो हम लोग अब इसी तरह के फैक्ट्स के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, दिल से आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने फ्रेंड से थोड़े बहुत शेयर कर देंगे तो अपना भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा, सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा, तो चलो सब्सक्राइबर में प्यार बढ़ेगा अपना आपस में, और मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लाते रहूँगा। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड बाय।